पता नहीं कौन सा सनसेट है, हॉरर डे में स्लो बोलो। एनीवेज गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हॉरर मूवी, कुछ तो देखने वाले हॉरर मूवी। आज मैं हैप्पी हूँ, आज मैं डरूंगी ही नहीं। देखते हैं, अगर डरी नहीं ना ये तो मेरा नाम बदल देना, नाम बदल नहीं बदल भी सकता है। रात गाइस हम लोग अभी वीडियो देख के सोना पड़ेगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक हॉरर वीडियो, उसको देख के हम रिएक्ट करने वाले हैं आपके साथ। देखते हैं क्या बनता है हमारा। बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे हॉरर वीडियो, इनका सजेशन था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, सब कुछ बोल दो, सब स्कीमें बता दे। मेरा सजेशन नहीं था थोड़ी सी। गाइस इनको ना बस व्यूज इस पे ज्यादा आते हैं, इससे ये करती है ये वाले चैनल। चुप रहेगी, बोल दो के सब कुछ स्कीमें बता दो। अच्छा गाइस एक इंसिडेंट है हॉरर हमारे साथ हुआ है, बता दें हमें, एंड में बताएंगे। हाँ एंड में बताएंगे, जो रियल में हमारे साथ जिस घर में हुआ, जिस पे हमें डर लगा था, लिटरली कोई बोला था दरवाजा खोल, बाद में बताएंगे। इंटरेस्टिंग बहुत है जो हमारे साथ हुआ था एंड में। सॉरी फ्रीक्वेंसी बता दी, कुछ नहीं होता, एंड में पूरी स्टोरी दिखाएंगे बताएंगे। बट अभी हम लोग ने वीडियो स्टार्ट, अब मुझे दरवाजे से एक सेकंड बैठी हुई है, दर्द लग रहा है, एक सेकंड उधर बैठ जाओ। कुछ कमी नहीं लग रही हम लोग क्या है, एक हम लोग क्या है फूडी, इसके लिए फूड भी रेडी है गाइस। आप डिजर्ट में डाल गाइस, देखो मुझे कुछ भी करना खाना इम्पोर्टेंट है राइट, बिना आपका हमारा टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो ले ले, खा ले, खा ले और मर ले, नहीं नहीं मर ले। वीडियो स्टार्ट करने के चक्कर में हमने वापस खाना शुरू कर दिया। शट अप गाइस, अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये किसी बंदे की है, गौरव तिवारी डेथ मिस्ट्री, मतलब एक रियल बंदे की है असल की। क्या आज भी बैठी मुझे नहीं दे रही, गजब बेइज्जती है। सॉरी, तो ये रियल बंदे की है, उसकी डेथ मिस्ट्री है। कोई वो फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था जिसके साथ कुछ हुआ है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 को। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस की है जिसने हमें क्या पूरी हॉरर कम्युनिटी और इंडिया को हिलाकर रख दिया। गौरव तिवारी इंडिया के एक बेहद फेमस और रिस्पेक्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मौत के पीछे के राज को जानने में लगा दी, और अब उनकी खुद की मौत एक बहुत बड़ा राज बन के रह गई है। 7 जुलाई 2016 को 32 साल के गौरव रोज की तरह सुबह 8 बजे उठे और अपने डेली रूटीन में लग गए। उन्होंने पहले अपना नाश्ता किया और फिर रोज की तरह अपने ईमेल्स चेक किए। कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स सेंड करने के बाद गौरव करीब 11 बजे के आसपास अपने बाथरूम में नहाने चले गए। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे जब उन्हें बाथरूम में से एक बहुत जोर की आवाज आई, मानो कुछ गिरा हो। गौरव की पत्नी और उनके पेरेंट्स ने वो आवाज सुनते ही गौरव को पुकारा, मगर गौरव का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ ही देर में तीनों बाथरूम के पास पहुंच गए और बाथरूम को नॉक करने लगे, मगर तब भी गौरव ने किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गौरव के घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। गौरव के पिता ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और उन्होंने देखा कि गौरव तो बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पड़ा है। घर वालों ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए गौरव को उठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गए। वहां जाते ही डॉक्टर ने गौरव को डेड डिक्लेयर कर दिया। हैरत की बात तो ये थी कि गौरव की डेथ यूं तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, मगर उन्हें
इंटरनली कोई नुकसान नहीं हुआ था, यानी ना ही गौरव को कोई हार्ट अटैक आया था और ना ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौके पे ही इमिजिएटली मौत हो जाए। लेकिन गौरव की गर्दन पर एक लंबा सा काला निशान पाया गया था, जो कैसे आया, किसने दिया, या आज तक कोई नहीं जान पाया है। मगर इतनी गहरी मिस्ट्री भरी मौत सच में किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रिजल्ट थी या सोचा समझा हुआ मर्डर, इस वीडियो में हम ये आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर गौरव तिवारी थे कौन। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। वो 1986 में पटना में पैदा हुए थे। 21 साल की एज में वो अमेरिका अपनी हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। वैसे तो वो एविएशन इंडस्ट्री यानी एरोप्लेन की पढ़ाई करने अमेरिका गए थे, मगर वहां जाकर उनकी दिलचस्पी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत प्रेत से जुड़ी चीजों में बढ़ने लगी। अमेरिका में उन्होंने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप्स का काम बहुत नजदीकी से देखा और धीरे धीरे उन्होंने खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला कर लिया। मगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ अमेरिका में कि वो अपनी फील्ड की पढ़ाई छोड़कर भूत प्रेत की तरफ मुड़ गए। इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी गौरव के रेंटेड अपार्टमेंट से। वो फ्लोरिडा में जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे वहां रात में उन्हें कुछ अजीब सी एक्टिविटीज महसूस होती थी, जैसे चीजों का अपने आप हिलना, रैंडमली ठंडी हवा का झोंका आना, और किसी छोटी बच्ची की आवाजें सुनाई देना। जब उन्होंने आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि सबका ये मानना था कि उस अपार्टमेंट में एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। गौरव को खुद भी एहसास होने लगा था और इसी की खोज करते करते गौरव पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के टच में आ गए थे और वहीं से उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। वो जानते थे कि इस काम को करियर बनाने से वो बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाएंगे, मगर उनकी क्यूरियोसिटी अब इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने यही फील्ड चुन ली और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड अलग अलग केसेस सॉल्व करके वो लोगों की मदद करने लगे। गौरव ने अपने पूरे करियर के दौरान 6,000 से भी ज्यादा हॉन्टेड कहे जाने वाले घरों को इन्वेस्टिगेट किया था। यही नहीं, इंडिया की बेहद फेमस हॉन्टेड साइट्स जैसे भानगढ़ फोर्ट, कुलधरा विलेज, मुकेश मिल्स और न जाने कितनी और साइट्स उन जगहों में से हैं जहां गौरव ने जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। जब गौरव ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई थी तब उनका सबसे बड़ा मोटिव था इंडिया में एक ऐसी हेल्पलाइन सेटअप करना जो कि सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस कर रहे लोगों की हेल्प करेगी। गौरव की हर इन्वेस्टिगेशन का बेसिस साइंस हुआ करती थी। वो जो भी ढूंढते उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जरूर ढूंढते। वो अपनी रिकॉर्डेड रीडिंग्स को आधार रख के ही किसी कंक्लूजन पर आया करते थे। गौरव काफी फियरलेस इंसान थे। आपने कुछ इंडियन हॉरर शोज जैसे फियर फाइल्स और भूत आया के बारे में तो सुना ही होगा। इन शोज की कुछ कुछ कहानियां गौरव के केसेस पर ही बनाई गई थीं। और तो और गौरव खुद भी इन शोज के इंट्रोडक्शन और एंड में नजर आए थे। उनका करियर जोरों शोरों पर था जब गौरव को एक और इन्वेस्टिगेशन का केस मिला। ये वही केस था जिसे वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए और जिसके दौरान गौरव की मिस्टीरियस मौत हो गई। गौरव एक जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जहां उनकी रीडिंग्स के अनुसार 12 आत्माओं का साया था। 7 जुलाई के कुछ हफ्ते पहले से गौरव ने अपनी पत्नी को कहना शुरू कर दिया था कि एक नेगेटिव फोर्स थी जो उनका पीछा कर रही थी और उन्हें बार बार अपनी दुनिया में खींच रही थी। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की उसमें उन्होंने इस केस को सुसाइड का नाम दिया। मगर सोशल मीडिया पर हर जगह गौरव की मौत को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का रिजल्ट बताया गया। गौरव की मौत के इतने साल बाद भी ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं निकल पाया है जिससे गौरव की डेथ जस्टिफाई हो सके। क्या उनका प्लान्ड मर्डर हुआ था या उन्होंने सुसाइड कर लिया था या फिर ये काम सच में किसी शैतानी शक्ति का था, इस पहेली को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें जरूर। देखिए मैं इंटरेस्ट कर रहा है। देखो अबे खत्म हो गई। क्या क्या ये मैंने नहीं किया, आपने लाया।
गिरा दिया। तुमने मुझे डरा दिया। नमक गाय नहीं होना चाहिए। कहीं ना नमक चुपकता नहीं तो नमक लगा के खाते तो मैं हाथ में नमक था और हम वो नमक लगा के ये जायद नहीं करना चाहिए ना। हनी काफी शर्म तुम्हें कुछ भी समझा इसमें तुम इसका साथ ध्यान पता इसमें था खाने में ये वीडियो भी इसलिए बनाने आई थी खाने के लिए कुछ समझ आया क्या हुआ उसमें। अच्छा ये बताओ वो उसकी डेथ क्यों हुई थी सबसे बड़ा क्वेश्चन और पूरी स्टोरी बन गई क्या क्यों डेथ हुई थी उसकी। यहाँ बैठो फिर आराम से बताओ झाड़ना झाड़ दो पोपट देखो मम्मी मारेगी तो पोपट लाल की पोपट लाल वहाँ पहुँच गया था अपने उसकी शादी होती तो उसकी बीवी भाग गई पोपट लाल उसके पीछे जाता ज़्यादा 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 भाग रहा था फिर पोपट लाल की बीवी भाग रही फिर पोपट लाल की बीवी तक के नीचा के मर गई उसकी आत्मा होगी और फिर लेकिन फिर पोपट लाल ने बोला मैं इस आत्मा से भी शादी कर लूँगा लेकिन आत्मा पागल हो गई कि ये क्या कह रहे हैं आत्मा भाग गई तो आत्मा गलती से उससे टकरा गया वो बंदा जो भी था तो आत्मा के हाथ में गलती से चाकू आ गया होगा तो मर गया। गाइस हमें इतनी देर से बैठे कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करके डर के बाद हो रही थी वो सीन गाला करके इसे सारा सामान मेरे ऊपर गिरा दिया देखो क्या हुआ था रात के पता नहीं एक दो बज रहे थे हमें नींद नहीं आ रही थी गाइस मजा लो वो आई स्वेयर टू लैपटॉप की कसम बहुत कह रही था एक आंटी आई हमें पता ही नहीं हमें लगा भूत है कुछ कोई तो था मैं बोलूं नहीं बाकी मैं बोला नहीं मैं बोलूं अच्छा थोड़ा सा मुझे बोलने दो उसके बाद आप बोल लेना थोड़ा मैं बोलूंगी मैं करूंगी समझी मैं करूंगी आप बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं आपकी चलेगी बड़े की ही चलती है बड़ा बड़ा क्यों होता है फिर बोलो हाँ तो फिर गाइस ये हुआ था कह रहा बोल दो तुम हाँ ये वो ना ऐसे दरवाजा मतलब दरवाजा लॉक था वो ऐसे 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 कर रही थी मैं बोलो जो असल में हमें फील हुआ था उस वे में बोलो मैं बोल दो गाइस बोला हुआ ये था कि ना हम रात के 2 बजे दो दिन हमें नींद आ रही थी दोनों बातें कर रहे थे बाकी सब सो चुके थे हमारे ना घर पे कोई ना ऐसे ऐसे टक टक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा उनका खतरा कोई आवाज़ आ रही है और वो गलत पता क्या हुआ वो गलत मैं डरपोक मैंने कमर मुझे सुना दो डर से खोले मैंने बोला खासा इग्नोर करो तुम ना गलत सोच रही हो तुम कुछ तो हो गया है तुमने अभी हॉरर वीडियो देखी इस वजह से ऐसा लग रहा होगा और एक आंटी की आवाज़ चुप रहो उसके बाद फिर दूसरी बार आई मैंने बोला खासा यार तुम प्लीज मुझे मत डराओ मुझे बताया तो मुझे उठाने के लिए मेरी नींद भगाने के लिए ऐसा कर रही हो उसके बाद जब तीसरी आवाज़ आई तब मैंने भी सुनी बिकॉज बहुत जोर के थी और उस टाइम एक आंटी की आवाज़ भी थी ओपन द डोर लाइक दैट ओपन द डोर लाइक दैट हम गए बहुत धीरे मैं क्या यहाँ इस एरिया में जाए एक्चुअली मैंने गई ये गई मैं बोलने दोगे मुझे 2 मिनट मैंने कम्बल मुंह पर डाल लिया हाँ और मैं बोला दिखा चुप मैं कान बंद कर लिया मैं गई वहाँ पे मैंने हमने बाबा को बताया हमको पहले तो मैं गई मैंने देखो वहाँ से उसके अंदर गोल गोल है अंदर से मुझे पहले बहुत डर लगा मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड ढक ढक के बात आई मैं भाग के वापस चल के पर वापस आई बहुत मुश्किल से आई मैंने चेक किया गोल गोल जो होता है उससे पता चला 2 आंटियाँ बाहर खड़ी थी बट वो भी स्केरी था कौन हमारे घर ऐसे आएगा मैंने कहा कोई चोर वोर तो नहीं आ गया अजीब सी दिख रही थी वो आंटियाँ 3 आंटियाँ थी मैंने पूछा मैंने दरवाजा मैं पागल दरवाजा खोल दिया उस पर मैं ऐसे खोला पीछे से हू आर यू दिस इज ओ सॉरी उन्होंने मुझे देखा उन्होंने बोला ओ सॉरी मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी
उन्होंने बोला सॉरी वी वॉज गोइंग समवेयर, हम कहीं और जा रहे थे, गलती से आ गए, इंग्लिश में बोला। हमारे दो वर्ल्ड देखा ना, दोनों सेम दिखती है, सब सेम ही है। तो इस वजह से बहुत गर्मी, मेरा हार्ट अटैक आ गया था, और अब वीडियो बंद करते हैं क्योंकि मेरे दिल में बहुत डर हो गया, और मुझे कुछ भी ज़्यादा और ये साफ करते हैं, हाँ ये साफ करना है। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ये बहुत और कुछ में मुक्का बना के बना दी। वो जो गिरा था, झड़ने लग रही है, बंद करेंगे अब, कंधे गिर गए, कहता बंद करो ये झाड़ू। मैं देख लिया